अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ खड़े मसाले का कीमा। तो ये मैंने कीमा ले लिया, इसमें थोड़ा सा पानी भी है, तो ये खुशक होने के लिए मैंने चूल्हे पे छोड़ दिया। तो यहाँ पे कीमा कुछ इस तरह से हो गया है। तो अब हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है वो ऐड कर देना, और यहाँ पर मैंने 4 टमाटर लिए हैं छोटे साइज़ के, वो ऐड कर देंगे। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 चम्मच जो है मैंने हल्दी ली है, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्चें, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया क्योंकि हमने इसमें साबुत भी ऐड करना है, 1 चम्मच डालेंगे इसमें ज़ीरा, दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, 1 चम्मच कूटा हुआ धनिया डालकर हमने इसे अच्छी तरह चम्मच चलाना है, इसे कवर कर देना है। जितना इसके अंदर पानी है थोड़ा सा कीमा इसी के अंदर गल जाएगा। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त कीमा बनने वाला है। अब मैं इसे कवर कर दूंगी। जब तक हमारा कीमा गलता है, जब तक हम फ्राई जो है वो गोल्डन कर लेते हैं, उसके लिए मैंने फ्राई पैन लिया है। फ्राई पैन के अंदर ऑयल डालेंगे, थोड़ा ज़्यादा डालना है क्योंकि मैंने कीमे के अंदर ऑयल नहीं डाला है, तो इसी के साथ ही हम भुनाई कर लेंगे उसके। यहाँ मैंने ऑयल लिया है, ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हमने इसके अंदर प्याज शामिल करनी है। ये मैंने प्याज ली है, 4 से 5 बड़ी प्याजें ली थी, जिनको मैंने बारीक ऑमलेट वाली प्याज जो होती है उस तरह से काट लिया है। ये मैं ऑयल के अंदर डाल दूँगी। यहाँ पर कीमा इस तरह का हो गया है। अब इसमें थोड़ी सी मैं कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड करूँगी। इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। यहाँ पे प्याज जो हमारी वो गोल्डन हो रही है, कीमा भी हमारा गल चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, बहुत जल्दी और आसान तरीके से बन जाता है ये। प्याज का कलर चेंज हो गया है थोड़ा सा, तो इसमें हम हरी मिर्चें मैंने 4 से 5 ली थी उन्हें बारीक काट लिया है, ये शामिल कर देंगे। रेसिपी को मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आए लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्याज हमारी हो गई है, बहुत ज़बरदस्त रंग आया इसका। अब इसे हम कीमे में मिक्स कर देंगे। तो यहाँ मैं इसे कीमे में मिक्स कर दूंगी इस तरह। अब तेज़ आग पर इसकी हम भुनाई कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने इसकी जो भुनाई है तेज़ आग पर वो कर ली है। इसने देखें ऑयल भी साइडों से छोड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ पर मैंने लिया था एक अंडा, उसे मैंने फेंट लिया है। आप अगर अंडा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो इस तरह हम खाना चाहें तो इस तरह भी आप खा सकते हैं। अंडे से ये है कि थोड़ा टेस्ट जो है ज़बरदस्त हो जाता है और न्यू किस्म की एक रेसिपी बन जाती है। तो मैं इसमें जो है अंडा शामिल करूँगी। एक अंडा शामिल करने के बाद मैं आपको उसका फाइनल लुक दिखाऊँगी। अंडा डालने के बाद अब इसे 2 मिनट के लिए सिर्फ कवर करके रख देना है। तो यहाँ मैंने इसे कवर, बहुत ही ज़बरदस्त बना है ये देखें। वीडियो को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये मैंने थोड़े से अदरक जो है बारीक काटा था वो इस पे डाल देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।